उत्तर दिशा में एक चित्रकूट राज्य है जो जंगल पहाड़ों से घिरा हुआ है। चित्रकूट राज्य में रहने वाले एक विश्वास के साथ रहते हैं। उनका विश्वास उत्तर पहाड़ के जंगल में एक मायावी अजगरनी रहती है। वह अपनी मायावी शक्ति से उत्तर पर्वतीय पहाड़ को ऐसे घेर के रखी है ताकि चित्रकूट राज्य में उत्तर सीमांत में कोई भी शत्रु आक्रमण न कर सके। वो लोग कहते हैं, वह मायावी अजगरनी अपनी शक्ति से आफत विपत मुसीबत से रक्षा करती आ रही है कई वर्षों से। सचमुच देवी है वो। देवी नहीं तो क्या, कभी मनुष्य का रूप लेकर कभी जीव जंतु का रूप लेकर हमारे राज्य की हमेशा रक्षा करती है। लेकिन जिसे कभी देखा ही नहीं उस पे विश्वास कैसे करूं? ठीक बोल रहे हो, मैं भी नहीं देखा हूँ, लेकिन मनुष्यों का इतने वर्षों का विश्वास तो फिर कैसे न माने। ठीक है, जब आप मान रहे हैं तो मैं जरूर सुनूंगा आपकी बात, तो मैं चलता हूँ। ठीक है बेटा, ठीक से जाना और जल्दी वापस आना। उसके बाद चित्रसर अपने पिता की अनुमति लेकर शिकार करने के लिए निकल पड़ा। पूरे जंगल में एक शिकार नहीं दिखा। दक्षिण की तरफ कोई शिकार नहीं है, इधर कोई शिकार नहीं, मैं क्यों आ गया इधर? दूर जाता हूं, उत्तर की ओर जाता हूं, उधर जरूर शिकार मिलेगा। ओए रथ घुमाओ, उत्तर की ओर ले चलो। यहाँ पर जरूर शिकार मिलेंगे, तुम लोग कोई पीछे मत आना, यही इंतजार करो जब तक मैं वापस लौटकर नहीं आता हूँ। अरे बाप रे, कितना ऊंचा पर्वत। जाता हूँ उस पहाड़ पर चढ़कर देखता हूँ कि जंगल के किस तरफ जीव जंतु हैं। अरे क्या है वहाँ पे ये सब? ऊपर से कुछ समझ में नहीं आ रहा है। जाता हूँ थोड़ा पास जाकर देखता हूँ क्या है। इतना दिन इंतजार के बाद आज मौका मिला है, आज उनकी माँ नहीं है। इसी समय शैतान उसी आया है। आज तुम्हारी कोई शक्ति मुझे नहीं रोक सकती, हट जाओ मेरे सामने से। रुक जाओ, खबरदार, तुमने अगर इन बच्चों को छुआ तो मैं तुम्हें मार दूंगा। ऐसा क्या, देखता हूँ तुच्छ मानो तेरी कितनी शक्ति है। कौन हो तुम? मैं चित्रकूट राज्य का राजा हूँ। आप वही मायावी अजगरनी हो? हाँ, मैं जाने से पहले तुम्हें कुछ उपहार देना चाहती हूँ। सुनो, उत्तर दिशा में पर्वत के पास एक जलाशय है, उस जलाशय के बीच में जाके डुबकी लगाना और देखना, वहाँ पे एक प्रवेश द्वार है, उस प्रवेश द्वार को खोल के अंदर जाना। ठीक है देवी।
देवी की बात सुनकर चित्रसर सिंगुल पर्वत के नीचे जलाशर की ओर रवाना हुए। अंत में जलाशर आ पहुँचे। राजा देवी के बातों को सुनकर, अरे सच में यहाँ तो एक दरवाजा है। अरे यहाँ तो सोने का राज्य है। वाह, चित्र सर, ये संपत्ति चित्रकूट राज्य की ही संपत्ति है। इतने दिन से मैं इसका देखभाल कर रही थी, अब मैं तुम्हारे ऊपर सौंप के निश्चिंत होके जा सकती हूँ। मैं चलती हूँ। महाराज, देवी अपनी मुक्ति के लिए राजा चित्रशर को सारे धन दौलत उपहार में दे दिए। ये उसके कर्तव्य के खिलाफ है ना महाराज? जितने दिनों तक देवी सांप बनकर उस राज्य में उपस्थित थी, अपने कर्म को बखूबी निभाई, लेकिन उस देवी को श्राप से मुक्त होने पर उन्हें तुरंत जाना था स्वर्गलोक। इसलिए उस समय वह संपत्ति को छोड़कर ऐसे नहीं जा सकती थी। चित्रशर महावीर थे और वह संपत्ति चित्रकूट राज्य का ही था। एक शहर का चूहा और गांव के चूहे में दोस्ती हुई। हाँ भाई, तुम कहाँ रहते हो? मैं शहर में रहता हूँ, एक बड़े महल जैसे घर में। और तुम कहाँ रहते हो दोस्त? मैं उस झील के उस पार एक छोटे से गांव में रहता हूँ। हम लोगों का एक छोटा सा गांव है, उस गांव में छोटे छोटे घर है। मैं वहीं रहता हूँ। तुम्हारे जैसा महल जैसे घर में नहीं है, मैं तो कभी उतना बड़ा घर देखा ही नहीं। जानते हो, हम लोग शहर में ना बहुत ही आराम से रहते हैं, कोई टेंशन नहीं। वहाँ पे तो विभिन्न प्रकार के खाना किचन में ही रहता है, सिर्फ छिप छिप के जाओ और खाओ। हम लोगों को एकदम टेंशन नहीं है शहर में। सच में दोस्त, ये तो बहुत ही अच्छी बात है। तुम्हें तो खाना ढूंढने जाना ही नहीं पड़ता होगा, इतने सारे खाना किचन में ही तैयार रहता है। हाँ दोस्त, सच बोल रहा हूँ मैं। शहर में तो लाइफ ही निराली है, वहाँ तो हमेशा आराम आराम है। वहाँ धूप में जलना नहीं पड़ता, बारिश में भींगना नहीं पड़ता। इतना बड़ा घर है कि कहीं भी किसी भी कोने में बस छिप के रह जाओ, कोई टेंशन ही नहीं, आराम ही आराम। तो दोस्त, एक दिन आना मेरे शहर में। हाँ दोस्त, जब हम दोनों में दोस्ती हो ही गई है तो आना जाना तो लगा ही रहेगा। मैं आऊंगा किसी दिन तुम्हारा शहर घूमने। तुम्हारी बातें सुन के लग रहा है तुम्हारा शहर बहुत ही आकर्षित है, लेकिन इससे पहले तुम्हें एक दिन मेरे गांव में आना पड़ेगा। हमारे गांव में तो तुम्हें शहर जैसा आराम नहीं मिलेगा, लेकिन शुद्ध हवा और ताजी ताजी खाना, और गांव में बहुत सी जगह है घूमने के लिए। ठीक है दोस्त, मैं तुम्हारी बात ही मान लेता हूँ। मैं पहले तुम्हारा गांव घूमने आऊँगा, फिर तुम आना मेरे शहर घूमने। ठीक है, फिर तुम आज ही चलो मेरे साथ मेरे गांव। इतना जब बोली रहे हो तो चलो दोस्त। दोनों दोस्त निकल पड़े गांव में घूमने के लिए। गांव के चूहे ने शहर के चूहे को विभिन्न जगह घुमाया। ओ देखो दोस्त, वो है हम लोगों का मैदान, हम लोग वहाँ पे खेलते हैं। वाह, ये तो बहुत ही अच्छा मैदान है, बड़ा है। हम लोग के शहर में तो ऐसा नहीं है। हम लोग के शहर में तो मैदानों में बड़ी बड़ी फ्लैट बन गई है। क्या करोगे बोलो, जहाँ जैसा वहाँ वैसा ही ना होगा। अच्छा वो देखो, वो है हम लोग का तालाब, हम लोग वहाँ नहाते हैं। अरे ये तो कितनी सुंदर नीले नीले पानी है। हम लोग के शहर में ऐसा नहीं, वहाँ पर तो सिर्फ टंकी का ही पानी है। नहीं, अब हम लोग बहुत घूम लिए, चलो अब घर चलते हैं। बहुत भूख लगी है, चलो लंच का टाइम हो गया है, चलो चलते हैं घर। हाँ मेरा भी, चलो लंच करते हैं।
दोनों मिलके घर गए लंच करने के लिए। लंच में साधारण खाना शहर के रईस चूहे को पसंद नहीं हुआ। क्या दोस्त, ये सब क्या खाते हो? इस सब खाने में क्या टेस्ट है? खाना खाना हो तो चलो मेरे साथ मेरे शहर, देखना वहाँ के खानों में कितना टेस्ट है। विभिन्न प्रकार के टेस्ट टेस्ट के खाने, चलो आज ही चलो मेरे साथ चलो। ठीक है दोस्त, चलो अब चलो, जल्दी चलो मेरे साथ। ठीक है फिर चलो, देखता हूँ कैसा है तुम्हारा शहर। दोनों दोस्त शहर के लिए निकल पड़े। शहर पहुँचते ही पहले उन्हें इंतजार करना पड़ा 2-3 घंटा घर में प्रवेश करने के लिए। जानते हो दोस्त, अच्छे खाने के लिए थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। क्यों, ठीक बोल रहा हूँ ना? ठीक बोल रहे हो तुम। बहुत दूर से आए हो, भूख तो लगा होगा। चलो चलते हैं किचन में, जाके देखना वहाँ पे कितना सारा अच्छी अच्छी खाना है। हाँ भूख लगा है सच में, चलो खाना खाने चलते हैं। उसके बाद दोनों दोस्त निकल पड़े किचन में खाने के खोज में। वहाँ पे ढेर सारे खाना रखे थे टेस्टी टेस्टी। वो लोग जैसे ही खाना खाने गए वैसे ही घर की मालकिन आ गई। तभी वो लोग खाना छोड़ छाड़ के वहाँ से भाग पड़े। दोस्त, तुम्हारे शहर में बहुत ही अच्छी अच्छी खाना है और आराम भी, लेकिन कुछ भी नहीं खा पाते हैं। हमेशा डर डर के ही यहाँ पे रहना पड़ता है। इससे अच्छा तो मेरा गांव है, वहाँ पे आज़ादी है। बिना आज़ादी के भरपेट कोई खाना नहीं खा पाता है। इससे अच्छा तो मेरी गांव ही है। ठीक है मैं चलता हूँ अब। यह हम लोगों के राष्ट्रीय धरोहर की बात है, इसी तरह सब चोरी हो जाएगा। इतनी कोशिशों के बावजूद भी हम चोरों को नहीं रोक पा रहे हैं। कोई न कोई उपाय निकालना ही पड़ेगा। लेकिन क्या करोगे, कुछ समझ में तो नहीं आ रहा है। उपाय तो एक है। है क्या उपाय है बताओ? हाँ मिस्टर शर्मा। हाँ मिस्टर शर्मा, जो एक कर्नल है। वाओ, इज इट पार्लियामेंट के देश में? हम लोग मिसोर में जाएंगे दादाजी। हाँ बच्चों, क्विकली रेडी हो जाओ, सारे सामान तैयार कर लो, कल सुबह ही निकलना है। टॉमी तो चलेगा हम लोग के साथ? टॉमी तो जाएगा ही हम लोगों के साथ। वेलकम वेलकम मिस्टर शर्मा। आइए आइए, वेलकम टू इजिप्ट। वाव, वो देख हैनी, पिरामिड। वाव, इसकी तस्वीर किताबों में देखी थी, आज सच में देख रही हूँ। तुम सब होटल में जाओ, मैं थोड़ी देर बाद आता हूँ। ठीक है दादाजी, चल हैनी, थोड़ा आराम करके पिरामिड देखने जाएंगे। चलो 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 भैया, दादाजी जल्दी आइएगा। ओ टॉमी, घूमने आए हो, नींद आ रहा है तुम्हें, चलो जल्दी से। हाँ यह तो बहुत चिंता की बात है, हम लोगों की सारी कोशिशें व्यर्थ हो गई हैं। अब आप ही कुछ उपाय निकाले कर्नल साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, जहाँ से अंतिम बार चोरी हुई थी वहाँ जाकर एक बार देखना पड़ेगा।
ठीक है चलिए तब। प्योर गोल्ड था कर्नल साहब, शुद्ध सोना। आश्चर्य की बात है तो चोरी किया किसने? हम लोगों की राष्ट्रीय धरोहर थी कर्नल साहब। अच्छा, मूर्ति की कोई तस्वीर मिलेगी? जरूर, ये लीजिए। विचित्र विचित्र, ठीक है चलिए वहाँ चला जाए। बहुत चिंता की बात है। कुछ सोचे हैं दादाजी? चोर को पकड़ने के लिए कुछ तरीका सोचे दादाजी? नहीं नहीं, अभी नहीं मिला। सुनो सुनो, सब तैयार हो जाओ, हम अभी निकलेंगे। वाओ, वो मूर्ति कितना सुंदर है ना? सच में कितना सुंदर है वो मूर्ति। अरे ये तो वही तस्वीर जैसा है। एकदम वैसी ही। नहीं चलो। नहीं, थोड़ा और देर घूमते हैं दादाजी प्लीज। अभी चलो, बाद में आएंगे। टॉमी चलो मेरे साथ, तुम में से कोई होटल से नहीं निकलोगे। ठीक है दादाजी। बोलिए महाशय, आप क्या लेंगे? अच्छा, इस मूर्ति की कितनी कीमत होगी? केवल 2000 रुपए महाशय। नकली नहीं, एकदम असली। चुप। हाँ? अरे भाई, असली ही तो चाहिए। मतलब? सुनो, मैं असली मूर्ति ही खरीदता हूँ, नकली नहीं, समझे? चलो चलो, यहाँ से चलो चलो। रुकिए 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 महाशय, रुकिए। अब क्या हुआ? बोल रहा हूँ, आप असली ही मूर्ति पाइएगा। वह मेरे पास नहीं है, पर मैं उसके बारे में बता सकता हूँ। इसका मतलब? हाँ, आगे पता तो बताओ। आज रात में आइए, सब हो जाएगा महाशय। दादाजी, हम आ रहे हैं। ओह टॉमी, तू बहुत डरपोक है। चुपचाप आओ। हाँ? हाँ? असली मूर्ति चाहिए ना? हाँ, असली मूर्ति चाहिए, लेकिन कीमत बहुत लगेगी। कीमत की चिंता मत करिए, आप मूर्ति दिखाइए ना। ठीक है, आइए मेरे साथ।
देखिए, यह देखिए असली मूर्ति। पहले कीमत दीजिए, उसके बाद मूर्ति ले जाइए। अभी कीमत दे रहा हूँ। पकड़ो पकड़ो पकड़ो, कोई भागने ना पाए, पकड़ो उन लोगों को। पुलिस पुलिस, भागो 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 यहाँ से, भागो भागो भागो। पकड़ो 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 पकड़ो, आ मूर्ति चोर को पकड़ो, आ पकड़ो पकड़ो पकड़ो, भागो भागो, अरे बाप रे, भागो 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 भागो। भैया वो लोग भाग रहे हैं, पकड़ो पकड़ो उनको। अभी पकड़ रहा हूँ। भागो भागो भागो। मेरा क्या होगा, मेरा क्या। मुझे तो पकड़ लिए महाशय, लेकिन मूर्ति नहीं मिलेगी। खोज लीजिए खोज लीजिए। चल बेटे चल, ले जा इस शैतान को। मूर्ति को रखा कहाँ है, खोज। देखे तो टॉमी रुक जाओ, ठहरो। अरे ओ कितना खतरनाक। नीचे दब के मर। धन्यवाद कर्नल साहब, आपने जो उपकार किया उसका कोई मूल्य नहीं है। नहीं नहीं नहीं, ऐसी बात मत बोलिए। सुनिए आप कहाँ भाग रहे हैं। मुझे छोड़ दो, मैंने चोरी नहीं किया है।
चोर को आश्रय देना भी अपराध है। चलो चलो थाना, चलो चलो चलो। मुझे छोड़ दीजिए, मैं कभी भी चोरी नहीं करूँगा। मैं कान पकड़ता हूँ। आपके इस उपकार के प्रति हम सदा कृतज्ञ रहेंगे। बताइए बताइए, मैं क्या कर सकता हूँ आपके लिए? कुछ नहीं करना होगा, सिर्फ एक सामान चाहिए। क्या सामान कर्नल? दुकानदार की नकली मूर्ति। हैं? उसकी उचित कीमत आपको मिलेगी। ना 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 ना, यह हम लोगों की ओर से आपके लिए। आंटी को बर्थडे में गिफ्ट देने के लिए मैं ढेर सारा पैसे इकट्ठा किया था, पता है? आंटी तुम्हारे ऊपर बहुत खुश होगी और हम लोगों को अच्छी अच्छी खाना खिलाएगी। ये भी कहने की बात है। सुने हो लूटी, लूटी आंटी को गिफ्ट देगा। सुना हूँ सुना हूँ, गिफ्ट तो जरूर देगा, पर वो गिफ्ट नहीं। मतलब? आंटी के लिए जो गिफ्ट लाए हूँ इस टेबल पर रख देता हूँ। इसी को कहते हैं दिमाग। मैं अपने डब्बे को यहाँ रखता हूँ और पोसी के डब्बे को लेके जाता हूँ। मजा आएगा। हेलो हेलो, सुन रहे हो? मजे के दृश्य देखने के लिए तुम जन्मदिन में जरूर उपस्थित रहना, ठीक है? जल्दी आ जाना टाइम पे। आंटी, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी हैप्पी बर्थडे टू यू। आंटी मेरे तरफ से ये गिफ्ट स्वीकार कीजिए। लीजिए लीजिए आंटी लीजिए, ये मेरा गिफ्ट लीजिए। क्या है, दिखाओ क्या है? अरे तुम देख रहे हो, वो बैग तो हम लोग खरीदे थे आंटी के लिए, लेकिन वो लूसी और उसी के पास कैसे गया? वही तो मैं सोच रहा हूँ। अचंभव की बात है। तो गिफ्ट तो बहुत सुंदर है लूसी, मुझे बहुत पसंद आया। हाँ हाँ, बीच बीच में तुम लोग अच्छे काम भी करते हो। लूसी दिखाओ तुम क्या लेके आए हो मेरे लिए। हाँ हाँ आंटी, ए लीजिए। कहाँ है, दिखाओ दिखाओ। ए क्या तुम लोग मेरे साथ मजाक किए हो? रुको अभी बताती हूँ तुम्हें। देख लिया तो, इसी को कहते हैं ओलंपिक का दौड़। उस लूसी को सबक सिखाना ही पड़ेगा। इस बार मैं उसको ऐसा सबक सिखाऊंगा कि वो बक्से बदलना ही भूल जाएगा। हाँ दौड़ रहा था मस्त ना। जिसे कहते हैं गधों की दौड़। सुनो ना टीप, उस दिन आंटी के जन्मदिन में ना मैं कुछ नहीं दे पाया अच्छा,
सोच रहा हूँ इस बेग को देख के लूसियर तुमको हरा दूंगा। इस बेग को ना तुम संभाल के रखना ताकि किसी को पता ना चले। इस बार उन लोगों को पता नहीं चलेगा। मैं इस बेग को पलंग के नीचे छुपा के रखूंगा। तुम सुन रहे हैं ना, बेग को पलंग के नीचे छुपा के रखेंगे ताकि हम लोगों को पता ना चले। लोगों को पता भी नहीं चलेगा, इसको भी चुरा लेंगे। जी, मैं आपके लिए गिफ्ट लाया हूँ। उस दिन पूछी आपको खाली डब्बा देके दुखी कर दिया था ना, इसीलिए मैं आपके लिए एक अच्छा अच्छा गिफ्ट लाया हूँ। लीजिए लीजिए आंटी जी, लीजिए। ऐसा क्या तुम लोग मेरे लिए गिफ्ट लाए हो? बहुत अच्छी बात है। तुम लोग रुको, मैं गिफ्ट खोलने से पहले पूसी और डिक को बुलाती हूँ, उनको दिखाती हूँ तुम लोग कितने अच्छे हो गए हो। पुसी और डिक आओ इधर। लूसी देखो कितना अच्छा हो गया है, तुम लोग उसे देखकर कुछ सीखो तुम दोनों। हाँ बदतमीज कहीं के, ये तुम लोग गिफ्ट लेके आए हो, मेरा नाक तोड़ के रख दिए। तुम लोगों का उपहार ऐसा है, रुको मैं अभी तुम लोगों का नाक फोड़ती हूँ, रुको। अभी बताती हूँ। आंटी आंटी छोड़ दीजिए, आंटी हमने करेंगे गलती, आंटी आंटी मत मारिए। छोड़ दूंगी, पर तुम लोगों का नाक पहले फोड़ दूँ तब जरूर छोड़ दूंगी। रुक रुक। बड़ा मजा आया। इसी को कहते हैं बक्से की रहस्य। देखिए गोपाल भाड़, ये है गोपाल भाड़। गोपाल बताऊं तो तुम क्या महाएकांक्षी करते हो? हाँ, मैं अपने पिता के मृत्यु के बाद से करता था और अभी भी करता हूँ। पहले मैं शास्त्रीय मत से करता था, अब मैं अच्छा खाने पीने के लिए करता हूँ। बतासी बेटा, जल्दी से चावल धो के लाना। ला रही हूँ। क्या लक्ष्मी, खाना बना के नहीं? मेरे पेट में चूहे दौड़ रहे हैं। हाँ हाँ, बनी चुका है, आप नहा के आइए, तब तक तैयार हो जाएगा खाना। ठीक है, मैं नहा कर आता हूँ। अरे बतासी, इस समय तो स्वामी को देखते हैं कि दिन रात पूरी तरकारी और मिठाइयाँ बड़े मजे ले लेकर के खा रहे हैं। ये क्या आप नहीं जानते हैं, आज एकादशी है, मालिक का आज व्रत है। ओ, ये तो बहुत अच्छी बात है जी। हाँ, तब तो मैं अब इस बार से स्वामी की तरह महा एकादशी करूँगा और खूब मजे। नकुल, ए नकुल आ खाना खा ले। ए नकुल आ खाना खा ले आके। आ हाँ मालकिन, दीजिए तो। ले ये ले, खा ले खाना। क्या हुआ नकुल, तू अचानक यह सब खाना खा रहा है? आपको देखकर नकुल भी एकादशी का व्रत रखा है। ठीक है ठीक है, ये तो बहुत ही अच्छी बात है, एकादशी सबको करना चाहिए। कारण यह है कि एकादशी करने से सुख और शांति दोनों ही मिलते हैं।
मुझे मालूम है तू एकादशी क्यों किया है। मेरे साथ साथ मिठाई पूरी खाने के लिए रुक, तुझे मैं मजा चखाऊंगा। ले खा, ठीक से खा, पेट भर के खा। लक्ष्मी इसे 2-3 पूरी और दो। हाँ दे रहे हूँ, दे रही हूँ। क्या रे बतासी, कम मैदा गूंथोगी? हमें तो बहुत भूख लगी है जी। आज मैदा नहीं गूंथूंगी, आप पूरी मिठाई नहीं खा पाइएगा। क्यों क्यों? सुनी हूँ आज महा एकादशी है इसीलिए। यह कैसी बात है, ये कैसा जोग है? लगता है मालिक से मुझे बात करनी होगी। मालिक मालिक, मुझे एक बात पूछनी है। हाँ पूछो। मालिक आप तो प्रति एकादशी को पूरी तरकारी मिठाइयाँ खाया करते थे, लेकिन अभी तक तो आप कुछ नहीं खाए। आज जैसा तैसा एकादशी नहीं है, आज महा एकादशी है। आज निर्जल उपवास रहना पड़ता है, पानी का एक बूंद भी नहीं पीना है। छी छी छी, यह क्या बात है? मैं सोचा था एकादशी करूंगा, लेकिन यह तो गड़बड़ हो गया। अब मैं कान पकड़ता हूँ, जीवन में कभी एकादशी नहीं करूंगा। आज बहुत अच्छी तरह सबक सीखा है, जिंदगी में कभी भूल कर भी पूरी मिठाई खाने के लालच में एकादशी करने का नाटक नहीं करेगा।